निवारण विधेयक 2021 को वापस करने पर राजनीति भी तेज हो गई है। हेमंत सरकार ने सदन से विधेयक पारित करवाकर राज्यपाल के पास भेजा था उनके पास, लेकिन 87 दिनों बाद राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। राज्यपाल ने विधेयक किया वापस, गर्म हो गई झारखंड की सियासत। क्योंकि इन्हें सिर्फ धार्मिक आधार पर एक परसेप्शन तय करना है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। सुना आपने, ये जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे। अब इनकी नाराजगी की वजह जान लीजिए। राज्यपाल रमेश बैस ने मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 वापस कर दिया है। सरकार को यह विधेयक वापस करते हुए राज्यपाल ने भीड़ शब्द को सही तरीके से परिभाषित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले साल 21 दिसंबर को हेमंत सरकार ने सदन से विधेयक पारित करवाकर राज्यपाल को भेजा था। अब 87 दिनों बाद राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है। तो भाई आप उसको पढ़िएगा ना कि वर्ड का क्या अर्थ हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके करना चाहिए था। इतना मेहनत नहीं करते तो महामहिम राज्यपाल भी सिग्नेचर कर देते, कानून बन जाता। तो राज्य सरकार को आगे से विचार करना चाहिए कि भाई सारी चीजें महामहिम राज्यपाल भेजने के पहले, विधानसभा में लाने के पहले सारी चीजों का अच्छी तरह से उसको ठीक से देखना चाहिए। विधेयक वापस किए जाने को बीजेपी भले ही जायज ठहरा रही है, लेकिन सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस नाखुश है। संविधान के कस्टोडियन के रूप में राज्यपाल महोदय काम कर रहे हैं और उनकी कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर पुनर्विचार करके उसको विधि सम्मत कार्रवाई करके उनके पास पुनः भेजेगी। जहां तक जो माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो एक आपत्ति जताई गई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि भीड़ की जो समाजशास्त्रीय परिभाषा है, जो सोशियोलॉजी में भीड़ को डेफिनेशन है, आप उसे उठाकर देख लें, वही परिभाषा के तहत ये विधेयक को भीड़ को परिभाषित किया गया है। इस विधेयक पर पहले से ही सियासी घमासान मचा है। विधेयक वापस किए जाने के बाद घमासान तेज होना तय है। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। अब बात रंगों के त्योहार होली को लेकर।